देखिए लखनऊ की जो घटना है वह इनकाउंटर नहीं है। हम इस घटना की फरी जांच कराएंगे। प्रथम दृष्टिया जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरी घटना की जांच होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई को भी हम इस मामले को देंगे। प्रश्न है कि गाजियाबाद का लखनऊ में एक घटना हुई है। इस घटना में एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह के वक्त जब वो जा रहे थे गाड़ी से तो एक महिला अधिकारी के साथ वो वहाँ पे थे, जो उनकी कंपनी में ही काम कर रही थी। वो दोनों काम कर रहे थे और उनको एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। मेरे दो सिपाही जो चेतक का जो हमारा वो रहता है उसमें वो थे और उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनसे कहा कि आप बाहर निकल कर बताएं क्या है। वो निकलने से रिफ्यूज़ किया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके मेरे कॉन्स्टेबल्स पे चढ़ाने की मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में, जैसा कॉन्स्टेबल्स ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई, गोली उसके चिन पे लगी है और बाद में गाड़ी जाकर वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। ये एक प्योर अपराध की श्रेणी में आता है। हमने तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है और उनको आज शाम तक हम बर्खास्त कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को सेल्फ डिफेंस का प्ली लेते हुए ये नहीं है कि वो एक्सीड कर जाए कि पब्लिक परसेप्शन थ्रेट का कितना है। और मैं समझता हूँ कि ये हत्या का प्योर मामला है जो मेरे पुलिसकर्मियों ने किया है और इसी के कारण उसको हत्या के मुकदमा की दर्ज करके सर आपको नहीं लग रहा कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि गनशॉट इंजरी से उसकी हत्या। सर आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं पुलिस पर कई ज्यादा मामले हो रहा, चाहे वो मेरठ का मामला हो या लखनऊ का मामला हो, तो पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत और कहीं ना कहीं खाकी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, गोली का गलत इस्तेमाल? पुलिस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है हम लोग उस पर सख्त कदम उठा रहे हैं और जहाँ पे भी अगर पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं तो उन्हें न केवल गिरफ्तार किया जाता है, न केवल उन्हें सस्पेंड किया जाता है बल्कि उन्हें बर्खास्त भी किया जाता है। और कई ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें हमने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनफैक्ट मेरा सीधा संवाद पुलिसकर्मियों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिसकर्मी जो है वो समाज की सेवा के लिए हैं, न कि किसी को रक्षक या भक्षक की श्रेणी में आने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उस पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। सर कप्तान आप मानते हैं कि आगे इस तरीके की कोई पुलिसकर्मी गलती नहीं करेगा, किसी निर्दोष की जान नहीं देगा? हमेशा कोई निर्दोष की जान नहीं, ये प्योर हत्या का मामला है जिसमें हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा गया। आप जिम्मेदारी लेते हैं सर पुलिस समाज के लिए? बारह घंटे हो गए ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज की। अपना बचाव कर रहे हैं, पता नहीं क्या दबाव है पुलिस पे, क्या मुझे कुछ नहीं पता। कुछ पिस्टल बचाव के लिए देते हैं और फिर चलाते हैं अपने को सेफ्टी के लिए, तो उसका हमारा खुद ही मुकदमा करते हैं। बताइए वो मुझे मार देता उस पर कौन मुकदमा लिखता है? आपने किस गाड़ी को गोली मारी? गोली नहीं मारी, सब गलत है। गाड़ी उसने टक्कर मार के मैंने कहा भैया तो घर से बात होनी नहीं चाहिए, वो नहीं आया। उसने फिर गाड़ी रिवर्स ली, फिर ऊपर चढ़ाई। इतने में नीचे गिरा हुआ था, पिस्टल निकाली डराने के लिए, वो लोड थी पहले से ही और वो चले गई। ना ही मैंने निशाना लगाया, मतलब मेरा कोई ना उद्देश्य था उसके पकड़ने का। वो चले गई, वो चलने के बाद भी वहाँ से भाग गया था। अपने आप धोखे में चल गए? हाँ जी सर। मतलब कि कहा लगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से चलाने में क्या बहस चली? क्या बहस ये चली सर, मैंने अपनी तहरीर दी है जो मेरे साथ घटना हुई,
उसकी ना ही कोई एफआईआर काफी मुझे मिली है, ना ही मेरे को एफआईआर दबाया जा रहा है। सब ये कह रहे हैं तो तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, सब अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो आप एक साथ मुजरिम है आपको? तो सर मुजरिम हूँ, तो मैं भी तो तहरीर दिए मैंने, उसने गाड़ी मेरे ऊपर जान से मारने की आशंका चढ़ाई थी, वो भी तो सर मेरा। पुलिस ने आपको मुजरिम साबित कर दिया है? हाँ पुलिस ने कराया था, पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। वो गाड़ी वाले के साथ बदतमीजी कर रहा था, मार रहा था जबरदस्ती इनको। आप क्या यहाँ डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मैं सर ये डिमांड कर रहा हूँ, मेरा सुबह से मुकदमा नहीं लिखा गया है, वो मेरी एफआईआर कॉपी मुझे मिलनी चाहिए, लिखना चाहिए। सर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप जब तक नहीं जाऊँगा, चाहे मैं यहीं मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं। आप मैडम कौन? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि फोन वगैरह मुख्यमंत्री साहब ने बोला है मुकदमा इनका नहीं लिखा जाएगा, मतलब हमारी कोई जान कीमत नहीं जानते। उसने तीन बार मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, मेरी चोट सारी मेरे छाती में समझे ये दिखाया मैंने, मैं थाने पर आगे तहरीर दी मैंने, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई मेरे खिलाफ अभी तक। अपना बचाव कर रहे हैं तो कप्तान कब ये? कप्तान साहब कह रहे हैं अगर किसी ने मुकदमा लिखा तो मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा, ये कप्तान साहब के बयान है, सीधी सीधी बात है। और उनके पास आप फोन किया है तो कह रहे हैं फोन कर दो, सस्पेंड हो जाए। सस्पेंड वाली से बात कौन सी है? मैं बात तो कह रहा हूं, सस्पेंड वाली दोनों की बात ही नहीं है। तुम्हारी बात सुन नहीं सर, नहीं सुनी जा रही मेरी बात। मैं सुबह से चुतिया बना रखा है मेरा, यहाँ वहाँ बैठा के यहाँ बैठा के लिखा जा रहा है, तुम्हारा लिखा जा रहा है, कुछ भी नहीं मैंने सूचना करी, मैं कोई तस्कर कला जी कोई बात नहीं। कप्तान सर के पास फोन किया अभी तो धमकी दे रहे हैं हमें कि मुकदमा नहीं लिखा जा, कर लो जो करना है। फोन काट रहे हैं तो फोन काटो, जो करना वो कर सकते।